हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनर। आज हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन में बेंजीन की। इससे पहले आपको अल्केन, अल्काइन और अल्कीन्स का पूरा ही अच्छे तरीके से आपको शॉर्ट आउट प्रोवाइड हो चुका है, ठीक है। तो इसमें अभी हम बेंजीन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे शॉर्ट नोट्स की। आई होप आपको ये पसंद आ रहे होंगे। तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मैटर ऑफ प्रिपरेशन की अगर मैं बात कर लूँगा, फ्रॉम एसिटल लाइन, एसिटल लाइन से अगर मैं करता हूँ तो रेड हॉट ट्यूब से आपका डायरेक्ट बेंजीन बन जाता है। उसके बाद फ्रॉम अल्कोफिनॉल की अगर मैं बात करता हूँ, पी एच ओ एच जो कि जेड एन के साथ आपका फिर से आपका क्या बन जाता है, बेंजाइन बन जाता है। तो बेंजीन के बहुत सारे पूछ लेता है। फ्रॉम एसिटल से आपका रेड हॉट ट्यूब से आपका बेंजीन बन जाता है, ठीक है। फ्रॉम फिनॉल से आपका जो जेड एन के साथ अगर आप करते हो तो आपका बेंजीन बन जाता है। डी कार्बोक्सिलेशन अगर आप करते हो तो एन ए एन ए ओ एच सी ए ओ आपका जो आ जाता है, तो इसमें भी आपका जो है बेंजीन जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ द बेंजीन की अगर मैं बात करता हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टीज जो आ जाती है आपकी, तो इसमें ई प्लस आ जाता है। तो इस तरीके का आपका ई प्लस आ जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ जाता है। तो यहाँ पे एन का आ जाएगा, एच प्लस आ जाएगा। तो ठीक है, इस तरीके से आपका ई इलेक्ट्रोफिलिक का एडिशन करते हो बेंजीन के ऊपर। ये चीजें देख ली ना आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आप देख लेना। नाइट्रिशन की अगर मैं बात करता हूँ, रिएजेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। डायल्यूट एच एन ओ थ्री, कंसनट्रेटेड एच एन ओ थ्री, एच टू ओ फाइव भी, एन टू ओ फाइव भी कर सकते हो, एन थ्री सी एल भी, एन ओ थ्री सी एल फोर, एन ओ टू बी एफ फोर, कंसनट्रेटेड एच एन ओ थ्री, कंसनट्रेटेड एच टू एस ओ फोर, इस तरीके के भी रिएजेंट आपका नाइट्रिशन मदद करते हैं एन ओ टू को ज्वाइन करने में बेंजीन के ऊपर। ये सारे ही आपको याद रखने है रिएजेंट। उसके बाद हैलोजिनेशन अगर मैं बात करूंगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक्स टू एफ ई, एक्स टू एफ ई, एक्स थ्री, एक्स एक्स डैश, इस तरीके से आ जाएगा, तो आपका हैलोजिनेशन हो जाएगा। सल्फोनेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें एस ओ थ्री जो कि एस ओ थ्री एच चला जाएगा, एच टू एस ओ, एच टू एस टू ओ सेवन, फ्ल्यूमिंग एच ओ, एच टू एस ओ फोर, या फिर एस ओ थ्री भी हो जाएगा, एस ओ थ्री प्लस एच टू एस ओ फोर, ये दोनों भी आपके रिएजेंट हो जाते हैं। फ्रीडल क्लाब अल्काइलेशन और फ्रीडल क्लाब एसाइलेशन याद रखना। अल्काइलेशन के अंदर क्या होता है आपका आर आर बन जाता है, हेलोरिन का मतलब सॉरी बेंजीन के साथ आर ग्रुप जुड़ जाता है, सभी आपके आर प्लस देते हैं, जैसे कि आर ओ एच, एच प्लस, आर सी एल, ए एल सी एल थ्री, आर आपका अल्काइन के साथ, अल्कीन के साथ, अल्कीन के साथ आपका आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद इस तरीके का आपको आर प्लस रिअरेंजमेंट हो सकता है। अगर आपको एफ ई सी एल थ्री और जेड एन सी एल थ्री अगर देखने को मिल जाएगा रिएजेंट में अल्काइलेशन में, तो नो रीअरेंजमेंट कराना, ठीक है। अल्काइलेशन में आर ग्रुप जुड़ता है। उसके बाद फ्रीडल क्लाब असाइलेशन में आपका आर ना जुड़ते हुए जो जिससे आर ग्रुप से जो अटैच होता है वो यहाँ पे जुड़ जाता है, असाइलेशन हो जाता है यहाँ पर। तो आर आर ओ सी एल और एनहाइड्रस ए एल सी एल थ्री आपका जो है रिएजेंट हो जाते हैं, आर ओ सी एल और एनहाइड्रस ए एल सी एल थ्री आपके रिएजेंट हो जाते हैं, आर सी ओ टू ओ इस तरीके का आपका बन जाता है। तो आपका फ्रीडल क्लाब असाइलेशन यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका फ्रीडल क्लाब क्राफ्ट असाइलेशन आपका बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एडिशन ऑफ द एडिशन रिएक्शन ऑफ द बेंजीन। अगर आपका सी एल टू एक्सिस में ले लिया आपने एच हीट प्रोवाइड की, तो आपका सी एल सारे ही ग्रुप में बेंजीन को हटाकर सारे ही ह्यूमिन का फॉर्मेशन करता है, इन डार्क वाई बी सिक्स, एच बी सिक्स और वाई टी बी टी, इस तरीके के आप रिएजेंट ले सकते हैं। तो एच टू एन आई और हाँ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के अंदर आप डाल दोगे तो डायरेक्ट बेंजीन का जो है बेंजीन ही हट जाएंगे, सारे डबल बॉन्ड यहाँ पे हट जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एच टू एन आई के साथ। अगर आपका बेंजीन के साथ अगर सी एल टू एक्सिस में आ गया तो और एफ ई सी एल थ्री भी आ गया, तो इसमें वो डबल बॉन्ड को कुछ नहीं होता, सी एल आपके हर जगह पे जुड़ जाएंगे पर डबल बॉन्ड वैसे के वैसे बेंजीन के अंदर रहते, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ आपका पूरा बेंजीन का जो है पूरा यहाँ पर खत्म होता है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको जो है हाइड्रोकार्बन्स का जो लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो आपको अच्छा लगा होगा। आपकी डिमांड के ऊपर आपको हाइड्रोकार्बन जल्दी से प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।